करना है और उसको हमने बिल्ड भी करना है, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी है. What we are confronted with is a very complicated form of terrorism. उसकी वजह ये है कि हम बहुत ये बात करते हैं कि इकोनॉमी डिजिटाइज हो गई है, हर चीज़ डिजिटाइज हो गई है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि टेररिज्म भी डिजिटाइज हो गया है. टेररिस्ट्स हैव गॉन डिजिटल, दे हैव गॉन सेल्युलर. इसलिए बहुत ज़रूरत इस बात की है कि वी आर अहेड ऑफ देम. मुझे मेरी टीम ने बताया कि जो गैंग्स ऑपरेट करते हैं पंजाब में, आई एम सिटिंग विद देम और मैं उसका भी एक ऑपरेशन प्लान कर रही हूँ कि जो साउथ पंजाब की साइड पे जो गैंग्स ऑपरेट करते हैं, इन्होंने मुझे बताया कि हम जो टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, दे आर अहेड ऑफ अस. उनके पास भी वो सारे ड्रोन्स हैं, उनके पास भी वो सब कुछ है जो हमारे पास अब आया, लेकिन उनके पास पहले से है. और फिर सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को भी पूरी एक्सेस है उनको, अफगानिस्तान से लेके आते हैं, स्पेशली आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एग्जिटेड फ्रॉम अफगानिस्तान. वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. एंड देन जियोग्राफिकली एक हमारी इम्पोर्टेंस इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, जो ग्लोबल ग्रेट गेम है, उसमें पाकिस्तान को अपने पोटेंशियल का इतना नहीं पता जितना हमारे एनिमीज को पाकिस्तान के पोटेंशियल का पता है, चाहे वो इकोनॉमिक पोटेंशियल हो या वो कोई भी और पोटेंशियल हो, उनको पता है. इसीलिए बहुत एक एफर्ट होती है सी पैक को, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आई थिंक गेम चेंजर, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान. और उसको अटैक करते हैं, पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को वीकन करते हैं और उस चीज़ को स्ट्रेंथन होने नहीं देते, क्योंकि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड एनी काइंड ऑफ इंस्टेबिलिटी इज़ अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर ऑल इल्स, ये मेरा मानना है. और इसी वजह से, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं होती प्लान में, स्ट्रैटेजी में, तो ये प्रॉब्लम्स हमें आती हैं. फिर हमें हमारे जो फॉर्म्स ऑफ हर तरह का जो टेररिज्म है उसका हमें सामना है. राइट विंग टेररिज्म में आप लोग सब जानते हैं हम किस तरह से हर गली में मोहल्ले में हम एक पॉलिटिकल जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है और जो वायलेंस है उसका हमें सामना है. और वो भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है, इम्पोजिंग देयर वर्जन ऑफ रिलीजन ऑन द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी. फिर लेफ्ट विंग जो टेररिज्म है जो बलूचिस्तान में हो रहा है, वो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ थ्रेट. फिर जो पोलिटिकल फैशिज्म है, जो दैट हैज टर्न्ड इनटू टेररिज्म, रिजॉर्टिंग पोलिटिकल पार्टीज का रिजॉर्टिंग टू वायलेंस, आई थिंक इट्स अ ग्रेट ग्रेट कॉज ऑफ कंसर्न. एंड हम सब ने देखा कि 9 मई को उसकी एक पूरी पिक्चर दुनिया को नजर आई कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जब रिजॉर्ट करती हैं वायलेंस की तरफ, तो मुल्क में क्या एनार्की होती है, क्या होता है. एज अ पाकिस्तानी माय हेड हैंग्स इन शेम. देखिए, टू बी ऑनेस्ट, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है पॉलिटिकली, मेरी पार्टी ने स्ट्रगल किया है, मेरी फैमिली ने स्ट्रगल किया है, और हमारा एक अपना एक ideological stance था, political stance था. I don't want to gloss over anything, but I want to state facts here. But हमारे as a Pakistani कभी दिमाग में भी नहीं, the thought never even crossed my mind कि this is also an option. क्योंकि we can be politically, we can have different philosophies, political ideologies, लेकिन जहाँ पर हम कन्वर्ज करते हैं, जहाँ पे हमारा कंसेंसस होता है, दैट इज़ दैट वी आर पाकिस्तानीज. जब मेरे मुल्क पे कोई बात आएगी तो मेरी पॉलिटिकल फिलॉसफी भी बैक बर्नर पे चली जाती है, मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, मेरे पॉलिटिकल बिलीव्स, मेरे पॉलिटिकल क्रीड भी पीछे चली जाती है. एंड देन व्हाट इज़ इन फ्रंट ऑफ मी इज़ ओनली पाकिस्तान. तो मुझे माई हेड हंग इन शेम बिकॉज इट वॉज अ पार्ट ऑफ पोलिटिकल फ्रटर्निटी वट हैपन्ड ऑन 9 मई. तो दुनिया को हमारा क्या चेहरा नज़र आया, हमने अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले किए, जो चीज़ टीटीपी नहीं कर सकी वो पॉलिटिकल पार्टी ने कर दी.
और मैं तो ऑनेस्टली ऐसे लोगों को पॉलिटिकल पार्टी कहना भी नहीं चाहती, बिल्कुल. नाउ आई टॉक एज अ पाकिस्तानी, नॉट एज ए पॉलिटिकल लीडर और एज ए पॉलिटिकल पर्सन. हिस्ट्री में वो कभी मनाजिर हमने नहीं देखे जो हमें 9 मई को देखने को मिले. तो ये भी जो एक पॉलिटिकल फैशिज्म है जिसने अब यू नो इट हैज रीच्ड एपिक प्रोपोर्शंस, और उससे जो इंस्टेबिलिटी आई है पाकिस्तान में, और इंस्टेबिलिटी से ज़्यादा जो अनसर्टेनिटी आई है पाकिस्तान में, आप किसी भी जब बात करते हैं किसी फॉरेन इन्वेस्टर से, डोमेस्टिक इन्वेस्टर से, तो वो डरे हुए हैं. उनको ये नहीं पता कि अगर आज हम इन्वेस्ट करेंगे तो कल उस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा. तो दिस इज़ अ डीपर इशू, और उससे जो इमेज गया है पाकिस्तान का, जो एक परसेप्शन बना है, जो एक अनसर्टेनिटी आई है, वो बहुत बहुत खतरनाक चीज है. हमारी होर्डिंग पे, स्मगलिंग पे भी बात हुई है. सिर्फ टेररिज्म स्मगल नहीं होता, और चीज़ें भी स्मगल होती हैं. तो मुझे कई दफ़ा बहुत अफसोस होता है कि मुझे जो मेरे पंजाब में हमारे बॉर्डर्स हैं विद KPK या बलूचिस्तान, उनके अंदर जो हमें थ्रेट है, ये जो प्रेशर आता है, तो मुझे ये अफसोस है, बिकॉज आई सी माई सेल्फ एज अ पाकिस्तानी फर्स्ट. और उस पर हमें थोड़ा अब बीफ अप करने की ज़रूरत है. हमने अभी चेक पोस्ट बनाने का फैसला किया, वो अभी हम डिटेल में आपको प्रेजेंटेशन देंगे. लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है स्मगलिंग. मैंने जब जो हमने मीटिंग अटेंड की थी एपिक्स कमेटी की, उसमें जब स्मगलिंग की बात हुई, तो मैंने वहाँ पर ये कहा कि स्मगलिंग में किस ट्रक ने अंदर आना है, किसने बाहर जाना है, और किस गाड़ी को हमने कहाँ चेक करना है, ये एक रूटीन का मैटर होना चाहिए. इट शुड बी ऑन ऑटो. ये नहीं कि हमें कोई पैनिक में हमें ख्याल आया कि अब इसकी स्मगलिंग बंद करनी है, इसकी ट्रेड खोलनी है. तो ये भी एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड एक एफर्ट होनी चाहिए, जिसमें प्रोविंस को ये डिसीजन लेना चाहिए और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना चाहिए कि पैनिक में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए. अगर हमने कोई किसी चीज़ की इनफ्लो और आउटफ्लो को रोकना है, तो दैट शुड बी द डिसीजन ऑफ द स्टेट. इट शुड नॉट बी अ हैपहैज़र्ड डिसीजन, इट शुड नॉट बी टेकन इन हेस्ट, एंड इट शुड नॉट बी अ वन ऑफ डिसीजन. कोई भी, आई रिपीट, कि कोई भी ट्रक पंजाब के अंदर आता है या पंजाब से बाहर आता है, हमारे पास पूरा 24/7 12 मंथ्स अ ईयर हमारे पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए दैट एवरी ट्रक, एवरी कार शुड बी अकाउंटेड फॉर. वरना आप चेक पोस्ट बना देंगे, मोटरवेज खुली, मोटरवे से जो चाहे आ सकता है. मुझे अफसोस होता है ये कि KPK के मैं मुझे नाम लेना पड़ता है. अब मैं जहाँ पर ये काइट फ्लाइंग से जो मेटल इंक्लूजन्स वाली जो स्ट्रिंग्स हैं, एक डेथ हुई, हमने बड़ा उसको कंट्रोल किया, अल्लाह का शुक्र है. और मैं उस बच्चे को फैसलाबाद उसके घर भी गई जो इसमें अपनी जान से हाथ धो बैठा, 22 ईयर्स का लड़का था. तो जब हमने क्रैक डाउन किया, मुझे पता चला कि वो मेटल इंक्लूजन्स वाली जो स्ट्रिंग है वो सारी KPK से आ रही और ऑनलाइन बिक रही. तो ये जो इस किस्म की चीज़ों का हमें सामना है, इसके लिए हमें बहुत एक, मैं ये बात इसलिए करी, इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस मीटिंग, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अपने बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी चेक पोस्ट बना दें और आपके बाकी रास्ते खुले हों, और एक वो एक कॉरिडोर बना हो लोगों के लिए, खुला टेररिस्ट के लिए भी अंदर आना जाना, स्मगलर्स के लिए भी. तो इन चीज़ों को भी हमें ये देखना चाहिए. दूसरा, मेरी नज़र में जो प्रेजेंटेशंस मैंने इनसे ली, इट्स जस्ट बिन अ मंथ दैट आई असूम्ड ऑफिस, टू लिटल टाइम टू बी कमेंटिंग विद डिग्री ऑफ फाइनलिटी. हाउ एवर, वट एवर आई गार्नर्ड, वट एवर आई ग्लीन्ड इन दिस लिटल टाइम, आई थिंक इन्होंने बड़े अच्छे कॉमिंग ऑपरेशंस किए हैं. लेकिन स्लीप हमारा शुक्र है, अभी कमांडर साहब से बात हो रही थी, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि कंपैरेटिवली पंजाब इज़ अ सेफर प्लेस. हाउ एवर, पंजाब के अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं, जो इस वक्त कई दफ़ा डोमेंट होते हैं, उनकी जो निशानदेही है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, उनको ट्रैक करना, उनको ट्रेस करना, क्योंकि वो ज़्यादा वक्त अंडरग्राउंड होते हैं. लेकिन उनके साथ जो सिंपथाइजर्स का नेटवर्क है, जिस तरह मैंने पहले बात की कि राइट विंग एक बहुत बड़ा आपका एलिमेंट है,
और उसमें जो वायलेंस आ गई हुई है, तो उसके जो सिंपथाइजर्स हैं वो बहुत हैं, और ये सब अंडरग्राउंड होता है. तो हमारी सक्सेस ये भी होगी कि हम इन सब चीज़ों को ट्रैक एंड ट्रेस करें एंड प्रीएम्प्टिव मेजर्स लें एंड नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. बाद में तो देन देयर इज ओनली क्राइंग कि ये हो गया, उसने इतला नहीं दी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बाद में तो फिर ये सब कुछ है, ये एक्सक्यूजेज हैं. तो ये एक, जब मैं सीटीडी गई तो मुझे एक और चीज़ जो मेरे सामने आई वो ये कि टेररिज्म इज़ नॉट अ स्टैंड अलोन प्रॉब्लम, इट इज़ अ फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ एन एंटायर प्रोसेस राइट डाउन फ्रॉम दिस यू नो द आइडियोलॉजी दैट ब्रीड्स वायलेंस, चाहे वो एक्सट्रीमिज्म हो किसी किस्म का भी, इट इज़ एन एंटायर प्रोसेस. मैं आई वॉज रियली सैडन्ड टू सी, इन्होंने मुझे जब बताया कि, और वो तस्वीरें दिखाई, एक एलीट स्कूल सिस्टम का बच्चा था, इज ओनली 18 ईयर्स ओल्ड, एम आई राइट, और वो दोनों हाथों में ऐसे छुरियाँ और तलवारें पकड़ के, और उसको उन्होंने बिल्कुल ब्रेन वॉश कर दिया था. एंड वो एक, इट वॉज ओनली सिम्बॉलिक, उसके इस तरह के बहुत सारे एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं किस तरह से इनकी ब्रेन वॉशिंग करके यंग को, पीपल को, यूथ को ब्रेन वॉश करके इस तरह से ये लोग रिक्रूट कर रहे हैं, और हमारे पास उसका बहुत ज़्यादा एविडेंस भी है. तो एंड इट इज़ हैपनिंग नॉट ओनली थ्रू यू नो जो सबवर्जन हो रही है, नॉट ओनली थ्रू स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बट ऑल्सो थ्रू सोशल मीडिया. तो ये जो चीज थ्रेट, एक विजिबल थ्रेट होता है आपके पास, आप डोर नॉकिंग करते हैं, आप कोमिंग ऑपरेशंस करते हैं, आप ये एक चीज़ जो सोशल मीडिया पे हो रही है, इट्स नॉट विजिबल. तो एक विजिबल थ्रेट है, एक इनविजिबल थ्रेट है. एंड देन द पॉलिटिकल प्लेयर्स हु आर नाउ इंक्रीजिंगली रिजॉर्टिंग टू वायलेंस, उनकी भी जो पॉलिटिक्स है वो भी वेपनाइज हो गई है. दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ टेररिज्म दैट पाकिस्तान इज नाउ कन्फ्रंटेड विद, प्लेग्ड विद आई'ड रादर से. तो ये चंद चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में हैं, जो मैं इस हाउस में के सामने रखना चाहती हूँ, इस ऑगस्ट हाउस के सामने. एंड हम आपको एक प्रेजेंटेशन भी देंगे, और स्पेशली जो बशाम के वाक्या के बाद आई पर्सनली फील के चाइनीज़, क्योंकि सबसे बड़ा एक थ्रेट है, सी पैक पे चाइनीज़ काम कर रहे हैं, नॉन सी पैक प्रोजेक्ट्स पे चाइनीज़ काम कर रहे हैं, उसके अलावा प्राइवेट प्रोजेक्ट्स पे जो बिजनेस प्रोजेक्ट्स हैं उन पे चाइनीज़ काम कर रहे हैं, लूज चाइनीज़ हैं, जिनको हम लूज चाइनीज़ कहते हैं, वो किसी डिसिप्लिन में नहीं आते, वो किसी आपके एम्बिट में नहीं आते, और वो रिजेंटफुल हैं कि आप उनके ऊपर जब सिक्योरिटी अपने मेजर्स इम्प्लीमेंट करते हैं. आई हैपन टू विजिट डे बिफोर येस्टरडे द चाइनीज़ कॉन्सुलेट, एंड उन्होंने दो तीन बातें की विच आई वुड वॉन्ट टू रीले हियर. आई थिंक उनको भी एक ये फील होता है कि उन जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं दे आर मोर ऑफ अ चेन, मोर ऑफ फेटर्स दैट दे हैव टू फेस. तो मैंने उनको ये बात बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की कि आई नो दैट दिस माइट बी कंबरसम फॉर यू, दिस माइट बी uncomfortable for you, but we do this because we value you a great deal, and we attach a lot of importance to your security, your safety as our brothers, as people who are contributing massively to the development of Pakistan in every single way. So ye, you have to bear with this. Secondly, unhone ek bahut important baat ki, unhone kaha ki CPEC ke khilaf and China Pakistan cooperation bilateral जो रिलेशंस हैं उनके खिलाफ देर आर फोर्सेस इन प्ले, देर आर फोर्सेस वो आर ट्राइंग टू स्प्रेड अ नैरेटिव व्हिच इज बेस्ड ऑन ऑल नेगेटिव थिंग्स व्हिच आर ऑब्वियसली नॉट ट्रू. तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा कि सिंस सोशल मीडिया नाउ इज एन अनब्राइडल हॉर्स एंड आप उसको उस तरह से यू कांट रेगुलेट इट, हाउ एवर anything that you see on social media does not in any way reflect the sentiments of a Pakistani. To jo ek perception hai build karte hain jo anti-Pakistan forces hain within Pakistan, operating within Pakistan,
those that call them Pakistanis, whether वो political हों या जो भी हों या outside Pakistan. तो हमने एक narrative पे भी काम करना है और वो भी हमारी एक joint effort होनी चाहिए कि उस narrative को, क्योंकि everything originates from that. ये जो बच्चे youth जो आपकी corrupt होती है mentally and जो brainwash होती है, वो भी उस narrative के जाल में फंसते हैं, they walk into that trap. तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. लूज चाइनीज का एज वी ऑल अंडरस्टैंड कि उनको थ्रेट है, लेकिन ये सारी कैटेगरीज में से वो सबसे लीस्ट थ्रेट उनको है. तो हमें पहले सीपैक नॉन सीपैक प्रोजेक्ट्स को सिक्योर करना है और उसके बाद हम लूज चाइनीज, क्योंकि आपके डिसिप्लिन में भी नहीं, तो वो उनको लीस्ट थ्रेट है इस पर, ताकि खुदा ना खास्ता बाकी सूबों की तरह कल को कोई वाकया होता है तो उसके बाद फिर जैसे मैंने कहा इंट्रोस्पेक्शन होती है या क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क होता है या वो ब्लेम गेम होती है कि इसने मुझे नहीं बताया, इसने मुझे नहीं बताया. पंजाब शुड बी अबाउट दैट एंड वी शुड वर्क एज वन टीम बिकॉज वी आर वन टीम, नंबर वन. नंबर टू, नेचर ऑफ द थ्रेट दैट वी आर फेसिंग एट द मोमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, बी इट स्मगलिंग और रिपैट्रिएशन ऑफ अफगान रेफ्यूजीज या अफगान पीपल या टेररिज्म एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म, द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम इज परमानेंट एज ऑफ नाउ एंड इन द फोरसीएबल फ्यूचर इट इज़ अ परमानेंट नेचर प्रॉब्लम. उसके लिए हमारा जो सोल्यूशन है दैट शुड ऑल्सो बी एवर इवॉल्विंग ऑफ एवोल्यूशनरी नेचर एंड ऑल्सो परमानेंट. हैप्हैज़र्ड रिस्पॉन्स, ब्रोकन फ्रैक्चर्ड रिस्पॉन्स, रिएक्शनरी जो है वो नहीं होना चाहिए. I mean, this should be built into our system and this should be on auto. इसको improve हमें करना चाहिए, but जो basic हमारी चीज़ें हैं, चाहे वो intelligence sharing हो, intelligence को improve करना हो, अपनी capacity building करनी हो in every area, वो सब जो है वो हम करेंगे साथ साथ, लेकिन जो basic चीज़ें हैं उस पर हमें एक तरह से वो काम करना चाहिए. And as a Pakistani, as a blue-blooded Pakistani, as a daughter whose father has offered great service to Pakistan in terms of Pakistan ki jo economy hai, its infrastructure, and making Pakistan the first ever Islamic nuclear power, and as a father who takes a lot of pride in being the son of the soil and being a daughter of a person who has rendered unparalleled services in every sector for the for our beloved country, I reiterate, reaffirm my resolve ki I will as his legacy bearer, as his torch bearer, and as a Pakistani, as I said, and as Chief Minister of Punjab, main isko leke aage badhna chahti hu, aapke sath milke kaam karna chahti hu, kisi bhi cheez mein wo ho, kisi bhi field mein wo ho, kisi bhi wo area mein ho, kisi bhi sector mein ho, kisi bhi segment mein ho. Hum SIFC ke sath bhi kaam kar rahe hain, hum LIMS ke sath bhi kaam kar rahe hain, which of course is an offshoot of SIFC, aur isi tarah main is forum ko bhi iska fayda uthate hue, I just want to tell you that I am your chief minister, we are all your team, and we should work together as a team. Ye jo hamari spirit hai वो इंटैक्ट रहनी चाहिए, उसको हमें और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए. एंड माय ऑफिस इज़ देयर फॉर यू 24/7. थैंक यू वेरी मच. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पहले एपिक्स कमेटी इजलास से लाहौर में खिताब